हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। गाइस, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बी फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर का जो अपना प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए गाइस, फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन है कमेंट ऑन द ट्रायल सीन, जो हमारे प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसमें जो ट्रायल सीन था, मतलब जो मुकदमे वाला सीन था, हमें उसके ऊपर कमेंट करना है, अपनी टिप्पणी करनी है। आंसर इज द ट्रायल सीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन इन द प्ले। जो ट्रायल सीन है वो हमारे प्ले का मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन है। एंटोनियो इज ट्रायल इन द कोर्ट ऑफ द ड्यूक बिकॉज ही हैज फेल्ड टू रीपे द डेट व्हिच ही हैड टेकन फ्रॉम शाइलॉक। एंटोनियो को ड्यूक की कोर्ट में ले जाया जाता है क्योंकि उसने जो शाइलॉक से डेट लिया था, जो कर्ज लिया था, वो उसे वापस चुकाने में फेल हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड की कंडीशन के अकॉर्डिंग शाइलॉक इज फ्री टू कट अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी। जो बॉन्ड था उसकी क्या कंडीशन थी, अगर उस डिसाइडेड डेट तक उसने एंटोनियो ने वो जो अमाउंट वापस नहीं चुकाया तो शाइलॉक उसकी बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश कट कर लेगा। ठीक है, शाइलॉक हैज ब्रॉट द मैटर इनटू द कोर्ट ऑफ द ड्यूक। शाइलॉक इस मैटर को कहाँ ले जाता है, ड्यूक की कोर्ट में। ही वॉन्ट्स द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड फुलफिल्ड। वो जो शाइलॉक है वो उस बॉन्ड की कंडीशन को फुलफिल कराना चाहता है, पूरी कराना चाहता है। द ड्यूक रिक्वेस्ट शाइलॉक टू शो मर्सी टू एंटोनियो। ड्यूक भी शाइलॉक रिक्वेस्ट करता है एंटोनियो पर कुछ दया दिखाने के लिए, कि कुछ तो दया दिखाओ एंटोनियो के ऊपर। बट शाइलॉक इज अनमूव्ड, लेकिन शाइलॉक है कि मानने को तैयार ही नहीं है। देन पोर्शिया एंटर्स द कोर्ट। फिर पोर्शिया कोर्ट में एंटर करती है डिस्गाइज्ड एज ए यंग लॉयर। और वो किसके भेस में आती है, यंग लॉयर के भेस में आती है। शी हैज़ कम इन द प्लेस ऑफ फेमस लॉयर बलेरियो। वो किसके जगह पे आई है, वहाँ पे फेमस लॉयर बलेरियो की जगह पे। शी बिगिंस बाय एडमिटिंग दैट द बॉन्ड इज लीगल एंड शाइलॉक कैन कट 1 पाउंड ऑफ फ्लैश। वो इस तरीके से अपना स्टार्ट करती है कि हाँ हाँ, शाइलॉक बिल्कुल सही कह रहा है, इसने ऐसे पैसे दिए थे, गरीब वापस चुका नहीं पाया, तो बॉन्ड के अकॉर्डिंग तो यही है कि तुम इस एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश कट कर सकते हो। लेकिन When शाइलॉक is about to cut the flesh, जैसे शाइलॉक वो 1 पाउंड फ्लैश कट करने ही वाला था एंटोनियो की बॉडी से, she stops him, वो उसे रोक देते कि रुको रुको रुको। ठीक है, she says that bond is about 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ओनली। वो कहती है कि बॉन्ड केवल 1 पाउंड फ्लैश के लिए था, ये बात ध्यान रखना। ही शुड नॉट शेड इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड। उनकी एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ठीक है, इफ इट डज सो, अगर वो ऐसा करता है, ऑल हिज प्रॉपर्टी विल बी कॉन्फिस्केटेड, उसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली जाएगी। नाउ शाइलॉक सेज दैट ही विल ड्रॉप द केस अगेंस्ट एंटोनियो इफ ही इज पेड 3 टाइम्स द सम ड्यू। अब शाइलॉक को बात समझ आ जाती है कि ये तो मुझे ही फंसाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, मतलब मेरा ही केस मेरे ऊपर उल्टा पड़ रहा है। तो वो क्या करते, वो क्या कहते हैं, शाइलॉक कहते हैं कि वो इस केस को वापस ले लेगा अगर उसके उस अमाउंट से 3 गुना अगर उसे पे किया जाता है, तो वो इस केस को वापस ले लेगा। बसेनियो कम्स फॉरवर्ड टू पे द अमाउंट। ये सब सुन के बसेनियो आगे आ जाता है कि हाँ चलो ये लो, तुम ये लो और इस केस को जैसे ख़त्म करो। लेकिन बट पोर्शिया सेज दैट ही कैन हैव ओनली द पेनल्टी मेंशन इन द बॉन्ड। वो कहती है कि तुम केवल पेनल्टी ले सकते हो जो बॉन्ड में मेंशन की गई थी, तुम केवल पेनल्टी ले सकते हो। शाइलॉक सेज दैट ही विल बी सेटिस्फाइड इफ ओनली द ओरिजिनल अमाउंट इज पेड टू हिम। अब शाइलॉक ये तो कह देते हैं कि वो ये भी सेटिस्फाइड, तब भी सेटिस्फाइड हो जाएगा जब उसको ओरिजिनल अमाउंट मिल जाएगी, तब भी वो सेटिस्फाई हो जाएगा। बट पोर्शिया सेज दैट इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। फिर पोर्शिया कहती है ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे शाइलॉक का केस उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। ठीक है गाइस, गाइस आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ शाइलॉक इज रेडी टू ड्रॉप द बॉन्ड एंड गो अवे। अब वो शाइलॉक उस बॉन्ड को छोड़कर जाने को तैयार है, बट पोर्शिया सेज दैट, लेकिन पोर्शिया कहती है कि देयर इज अ लॉ ऑफ वेनिस व्हिच इज एप्लीकेबल इन दिस केस, कि एक लॉ ऑफ वेनिस है जो कि यहाँ पे बिल्कुल एप्लीकेबल है इस केस में। इफ अ पर्सन ट्राइज टू टेक द लाइफ ऑफ अ सिटीजन ऑफ वेनिस, हाफ इज प्रॉपर्टी विल बी गिवन टू द अग्रीव्ड पार्टी। वो कहती है कि अगर कोई भी इंसान वेनिस के किसी नागरिक की जान लेने की कोशिश करता है, तो उसकी आधी प्रॉपर्टी उस पीड़ित पार्टी को दे दी जाती है। द अदर हाफ विल बी कॉन्फिस्केटेड बाय द स्टेट, और जो बाकी हाफ है, अदर हाफ है, वो स्टेट के द्वारा जब्त कर लिया जाता है। हिज ओन लाइफ विल बी एट द मर्सी ऑफ द ड्यूक। अब उसका खुद का जीवन ही ड्यूक की दया पे निर्भर था।
एट दिस ड्यूक सेज दैट ही स्पेयर्स द लाइफ ऑफ शाइलॉक. इस पे ड्यूक कहते हैं कि वो शाइलॉक को जीवन दान देते हैं एंड चेंजेस द पेनल्टी ऑफ द कन्फिस्केशन ऑफ हाफ द प्रॉपर्टी इनटू फाइन. और वो उस पेनल्टी को फाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. एंटोनियो सेज दैट एंटोनियो कहते हैं कि ही विल कीप हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ शाइलॉक विद हिम फॉर द टाइम बीइंग. वो कहते हैं कि कुछ समय के लिए एंटोनियो शाइलॉक की प्रॉपर्टी को, उसकी हाफ प्रॉपर्टी को अपने पास रखेगा. आफ्टर शाइलॉक्स डेथ, शाइलॉक की मृत्यु के बाद, ही विल मेक इट ओवर टू शाइलॉक्स डॉटर जेसिका. वो शाइलॉक की मृत्यु के बाद वो उस प्रॉपर्टी को उसकी बेटी जेसिका को दे देगा, शाइलॉक की बेटी जेसिका को दे देगा. बट देर इज वन कंडीशन, लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है. शाइलॉक विल हैव टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी. शाइलॉक को क्रिश्चियन बनना पड़ेगा. Secondly, he will have to sign a bond that after his death, all his property will be given to Jessica and Lorenzo. और दूसरा उसको एक bond sign करना पड़ेगा जिसमें क्या होगा कि शाइलॉक की मृत्यु के बाद उसकी सारे property उसकी बेटी Jessica और उसके दामाद Lorenzo को दे दी जाएगी. ठीक है, शाइलॉक agrees to these conditions. शाइलॉक इन सभी conditions पे agree कर देता है and Antonio's life is saved. और इस तरीके से जो Antonio की life save हो जाती है, Antonio का जीवन बच जाता है. The trial scene is very important from dramatic point of view. पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रायल सीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज द क्लाइमेक्स ऑफ द बॉन्ड स्टोरी. यहाँ पे बॉन्ड स्टोरी का क्लाइमेक्स है. हियर द बॉन्ड स्टोरी रीचेस द हाई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. यहाँ पे जो बॉन्ड स्टोरी है वो अपने इंटरेस्ट के चरम सीमा पे है. एंटोनियो इज सेव्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ शाइलॉक बिकॉज ऑफ द विजडम ऑफ पोर्शिया. पोर्शिया के समझदारी के कारण एंटोनियो शाइलॉक के चंगुल से बच जाता है. ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ आ रहा होगा. और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. सो गाइज, दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले. थैंक्स फॉर वॉचिंग.